आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो काफ़ी अच्छा सूट है ये, मेरा बहुत पुराना सूट है। मैं पुराना ही सूट पहनती हूँ, आपको हर ब्लॉग में मैं बताती हूँ मेरे पुराने सूट है बट हाँ पुराना ही सूट है ये, क्योंकि मैंने लिया था इसको पिछले साल और अभी तक मैं इसको पहन रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ही पहनना होता है इसलिए मैं सर्दियों में ही पहनती हूँ। तो अब मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया मैंने अभी, और अभी बज रहे हैं 6:30 शाम के, और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही, मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया, और यहाँ पे मैंने मंदिर में पूजा कर ली है, दिए वगैरह जला दिया है। तो ये रहा मेरा फुल लुक, कुछ इस तरह से मैं अपना फुल लुक आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरी गर्म सूट मेरा कैसा लग रहा है आप बताना ज़रूर प्लीज़। अब मैं इस कुकर को रखी हूँ, देखते हैं कितने देर में बॉयल होता है। कुकर की रबड़ ख़राब हो गई है, तो जितना पानी मैं उसमें डालती हूँ, मतलब दाल या कुछ भी मैं कुकर में बनाती हूँ ना, तो सारा जो पानी है वो बाहर आ जाता है और बहुत टाइम लेता है। मतलब सीटी नहीं आती तो टाइम तो लेगा ही, आपको पता ही है। तो यहाँ पे मेरे कुकर का भी कुछ इस प्रकार यही हाल है, आलू के टाइम पे कभी कभी सीटी आ जाती, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं आती, तो आज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। देखते हैं कब तक आलू हमारी पकती है। और यहाँ पे मैंने सारे जो पराठे में और चटनी के लिए मैंने सारे ये चीज़ें काट रखी है। यहाँ पे आई हुई है गोभी, गोभी लेके आए। आजकल सीजन में गोभी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती है, और सीजन की सारी सब्ज़ियाँ खाना ही चाहिए हर किसी को, और हम लोग तो सीजन की सब्ज़ियाँ ज़रूर खाते हैं। बस यहाँ पे मैंने धनिया को अच्छे से छांट लिया है, और इसमें मैंने हरी मिर्ची भी लिया हुआ है और अच्छे से धो के रखी। और चटनी और चाय हमारा डिनर है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, कहीं जाना है, आप लोग भी साथ में चलिए, उसके बाद आके डिनर करते हैं। तो मास्क लगा के मैं रेडी हो गई हूँ, और चलिए फिर। और चोटी हमारी कैसी हो गई, कोई नहीं ऐसे ही चलूँगी मैं। तो अब लेती हूँ स्टॉल। आज मैं इस रूम में, किचन वाले रूम में आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ,
गरम सूट से मेरे मैच कर रहा है स्टॉल, तो मैं ये वाला स्टॉल ले रही हूँ। अरे चौपट के रखा है मैंने, तह करके रखा था तो तह नहीं खुल रहा इसका, तो मैंने स्टॉल ले लिया और मैं रेडी हो गई। चलिए देखती हूँ ये रेडी हुए या नहीं रेडी हुए। तो चलो, तो ये भी रेडी हो गए हैं। आओ, टीवी देखने में लगे हुए हैं, टीवी आके देखना। चलो अभी तो हम लोग चलते हैं, अब फ़ोन तो हमारे हाथ में ही है। तो चलिए मैं चलती हूँ, गेट को बंद कर दूँ। गेट पे हमारे इतनी सारे तौलिया वगैरह टंग रखे हैं, तो गेट पे ही हम तौलिया टांग देते हैं। गेट को मैंने बंद कर दिया है, तो हम गाइस हम लोग निकल चुके हैं और बाइक से हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, गाड़ियों की शोर आ रही है बहुत ज़्यादा। और मैंने स्वेटर नहीं पहना, मैंने जो पहना हुआ था मैं वही पहन के आ गई, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा।
एक एक ग्लास चाय। तो ये हमारी गुड़ की चाय रेडी हो गई है, काफ़ी टेस्टी लग रही है। इधर हमारी ये सब्जी है, सब्जी हमारी सुबह की है, मॉर्निंग की सब्जी है। बाकी ये हमारे पराठे। तो यहाँ पे मैं गुड़ की और छोले भटूरे जो लाए थे ये खाने में लगे हुए हैं। छोले भटूरे खा रहे हो? खा नहीं रहा आयुष, तो क्या करूँ, मैं खाता हूँ। आयुष नहीं खा रहा है तो ये छोले भटूरे खा रहे हैं और एक ग्लास इनकी ये गुड़ की चाय और छोले भटूरे। मेरा आज ये डिनर है। तो ये इनका डिनर है, छोले भटूरे, सैलेड और गुड़ की एक गिलास चाय। मैं यहीं पे खा रही हूँ नीचे। मैं भी नीचे आ जाऊँ क्या? मैं नीचे बैठ के खा रही हूँ और ये मेरे पराठे। तो मैं कोई प्लेटिंग नहीं करूँगी, मैं ऐसे खाऊंगी कढ़ाई में। देसी स्टाइल। मैं देसी स्टाइल में खाऊंगी, कढ़ाई में ही खा रही हूँ मैं। मेरी भी सीट लग गई। चलो इनकी भी सीट लग गई, ये वहाँ से अपना खाना यहाँ लेके आ रही है। तो वहीं पे खा लो ना, कोई बात नहीं, वहीं पे बैठ के खा लो क्या। तो ये इनका खाना, मैं इनकी थाली दिखा रही हूँ नज़दीक से। और बाकी ये आलू के पराठे भी ले लो ना, पियो। और मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। गाइस डिनर हमने कर लिया, अभी मुझे बर्तन धोना है। बर्तन धोने के लिए सारा मैंने यहीं पे रखा हुआ है। और छोले भटूरे भी इतना छोड़ दिया, खाया भी नहीं इतना छोले भटूरे छोड़ दिया। और इधर सब्जी भी वेस्ट जाएगी और इधर पराठे इसमें एक दो बचे हुए हैं, बाकी बर्तन धोना है मुझे। तो अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड और मिलते हैं अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।